जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन करोगे। इस वीडियो लेक्चर में आपको 2022 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 52, 51 to 100, ये लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो लेक्चर का खास बात है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ आपको फॉर्मूला रिवीजन भी कराया जाएगा। अगर आप ये वीडियो आप देखते हैं और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो आता है तो कहीं ना कहीं आपको 95 प्लस मार्क्स कन्फर्म है। अगर आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने की तमन्ना रखते हैं, दिली इच्छा रखते हैं, तो आप वीडियो पर बने रहें और अपनी पढ़ाई जारी रखिए जिस तरह भी आप पढ़ें। बट एग्जाम में जाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़रूर गुजर जाना। ओके, तो चलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन हो रही है आपकी, बने रहिए। हेलो हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 51 बोलोगे, 50 का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? लेक्चर नंबर 1 में आप जाइए, प्लेलिस्ट में बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर वो लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देखना। ओके, तो अभी का क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। ले कलर का नाम व्हाइट कलर, पिंक कलर, पिंक कलर से शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, यानी इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? लॉग एक्स, ये वाला ऑप्शन सही, पहले का ऑप्शन नंबर ये। इसको थोड़ा और डार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखेगा? ये एक में आप प्लस कर लो, के प्लस कॉस एक्स है और के माइनस कॉस एक्स है, ये वाला आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, एक ऑप्शन सही कर लो आप। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 53। देखो, आप जानते हो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? माइनस साइन एक्स, और x के बाजू में कुछ लिखा हुआ है, जितना भी कुछ लिखा हुआ है, अगर वो लिखा हुआ है तो उसी चीज़ से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। यहाँ पे आप नजरें स्क्रीन पे देखो, अगर cos 5x लिखा हुआ है, dx लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा? बोलोगे मैं नहीं जानता, ये तो आप गलत बता दिए। हाँ, यहाँ पे गलत बता दी, cos x का sin x प्लस कॉन्स्टेंट। अगर cos 5x है तो कितना लिखोगे? sin 5x, और जो भी कांस्टेंट लिखा हुआ है उससे डिवाइड करोगे। ठीक, तो यहाँ 6 थीटा लिखा हुआ है, थीटा के रिस्पेक्ट में कितना करोगे? साइन थीटा, साइन थीटा और 6 से डिवाइड, तो यही जो है 6 से डिवाइड है। ओके, जरा सी भूल कर लो, tan 2x का, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलोगे tan x का इंटीग्रेशन होता है, फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलोगे log sec x। बोलोगे सही बात है, log sec x 2x है, तो log sec x कहाँ पे दिखेगा? यहाँ, और जो भी एंगल में मल्टीप्लाई रहेगा, 2 रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 रहेगा तो 3 से मल्टीप्लाई, इस तरह से 54 तक का सॉल्यूशन आपने किया है। ओके, समझ में आ रहा है ना? कल हो के अगर ये कॉन्स्टेंट टर्म लगा लो यार, tan 3 5x लिखा हुआ है dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखोगे? tan x का कितना होता है? log sec x, तो कितना? 5x लिख दोगे। बोलोगे ये कैसे लिख दे? तो tan sec 5x, और ये जो 5 एंगल में मल्टीप्लाई है पूरे में डिवाइड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये इंटीग्रेशन करना है, यानी x पे पावर 3, x पे पावर 3 कहाँ से? 0 से लेके 1 तक, तो एक बार 1 पुट करोगे, 1 और 0, 1 माइनस 0 कितना? बोलोगे ये क्या, 3 से तो डिवाइड किए ही नहीं। हाँ, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 1/3 माइनस 0/3, कितना? 1/3, 1/3 ऑप्शन में दिखेगा, हाँ यहाँ दिखेगा, तो जल्दीबाजी में गलत मत कर लेना आप। कल हो के अगर यहाँ पे x पे पावर 3x लिख के दे एग्जाम में, तब 0 से 1, तो बोलोगे एक पावर बढ़ा देंगे, x पे पावर 4, 4 से डिवाइड करेंगे, और 0 से 1 यानी कितना? 1/4, एक्स के जगह पे एक बार 1 रखेंगे, दूसरी बार 0 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। क्या फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में मिलिए, आपको वहाँ मुलाकात किया जाएगा। साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? बोलोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है? 0 to π/2 करना है, तो माइनस कॉस π/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना? कॉस 0, कॉस π/2 0 प्लस 1,
जीरो प्लस वन कितना, वन, वन पे टिक मारोगे। ओके समझ में आ रहा है, ये e टू दी पावर x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी खुद होता है, डिफरेंशिएशन भी खुद होता है। तो इंटीग्रेशन यानी e पे पावर x, लिमिट a टू b कर दोगे तो कितना e पे पावर b माइनस e पे पावर a। बोलोगे अच्छा हमें सिखा रहा है, यही होता है, यही होता है। e टू दी पावर x ऐसा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन भी सेम और डिफरेंशिएशन भी सेम। जा ये तो कुछ नहीं लिखा हुआ, तो कितना वन लिखा हुआ है, वन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो कितना एक्स, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो वन, वन को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स। एक्चुअली में ये कैसे होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो एक्स पे पावर जीरो, यही ना, एक्स पर एक पावर बढ़ा दो कितना हो जाएगा, एक्स पे पावर एक बढ़ा दोगे तो बोलोगे हो जाएगा एक्स जीरो है तो वन हो जाएगा, वन से डिवाइड। बोलोगे ये तो गजब जुक मारा रहे, क्योंकि ये डिफिनिट है, लिमिट दिया हुआ है तो कांस्टेंट इसमें लिखेंगे नहीं, ए टू बी यानी बी माइनस ए, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह का क्वेश्चन आपको देखते ही टिक मार देना है, ओएमआर सीट पे रंगना है, टिक मत मार देना। एक्स यानी एक्स को इंटीग्रेट कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट कितना है जीरो से वन यानी वन बाई टू माइनस जीरो बाई टू यानी कितना वन बाई टू। एग्जाम में ध्यान रखना है आप ओएमआर सीट पे सही सही रंगोगे। ये क्या है, ये तो गजब का चीज दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन, ये क्या हो गया। एक बेबी फार्मूला, बेबी फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको बेबी फार्मूला बोलते हैं। यहाँ पे अगर चीज लिखा हुआ है तो ऊपर में क्या लिखोगे, एक्स माइनस वन, एक नीचे वाला में स्क्वायर नहीं, एक्स प्लस वन माइनस वाला चीज कैंसिल हो जाएगा तो इसको कैंसिल करा दीजिए ना। इसका है तुम्हें इंतजार कर लो ना, यानी एक्स स्क्वायर बाई टू और वन का कितना एक्स प्लस ए, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। कहो ना इंतजार कर लो ना, ये कैसे बनेगा। देखो ई पे पावर एक्चुअली में ये चीज लिखा हुआ है, ई पे पावर थर्टीन एक्स ऐसे लिखा, e पे पावर x का कुछ भी इंटीग्रेशन हो डिफरेंशिएशन हो जो लिखा रहेगा वही लिख देना है, लिख दिए, और x के बाजू में जो भी चीज़ लिखा रहेगा उससे डिवाइड कर देंगे। इनडिफिनिट है तो इनडिफिनिट में बोलोगे नहीं नहीं ये इंटीग्रेशन थोड़ी है, ये डिफरेंशिएशन है, अगर इंटीग्रेशन रहता है तो इसका आंसर ये होता, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन, क्या है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन है जो भी e पे पावर 13x लिख दिए और इसका कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 13 ई पे पावर 13, ठीक। कल हो गया अगर 14 लिखा रहेगा तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके क्वेश्चंस में सुधार कर लीजिए, एक्चुअली में ये लिखा हुआ है डी पे पावर डी एक्स और ई पे पावर 13। ये कैसे होगा, ये डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का बोलोगे कॉस एक्स, एक्स की जगह पे कितना है वन बाय फाइव, जो भी कांस्टेंट में है एंगल में कितना वन बाय फाइव है तो वन बाय फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वन बाय फाइव हो गया। कहाँ पे ऑप्शन दिखेगा तो बोलोगे ये ऑप्शन हो गया, यही इंटीग्रेशन रहता, साइन एक्स बाय फाइव का इंटीग्रेशन करना रहता, इंटीग्रेशन में जो भी कोफिशियंट से है उसको क्या करते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो बोलोगे साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, बहुत बढ़िया झकास। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक्स के जगह पे एक्स बाय फाइव है तो ये लिखोगे, वन बाय फाइव है तो वन बाय फाइव से डिवाइड कर दोगे। क्या ये बात समझ में आप आ रही है, एक ही क्वेश्चन में आप इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों सीख रहे हैं। कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स माइनस साइन टू एक्स, टू से डिवाइड करना है, टू से डिवाइड ये सब में नहीं है, ये है कॉस एक्स का, कॉस टू एक्स का कितना हो जाएगा, साइन टू एक्स का कॉस है तो माइनस के साथ लगेगा, सही है, और दो से डिवाइड भी करना क्योंकि एंगल में आपका क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ। टेन एक्स बाई थ्री, टेन एक्स बाई थ्री, टेन एक्स का कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे एक्स बाई थ्री है तो आप भी लिख दीजिए ना एक्स स्क्वायर एक्स बाई थ्री। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट रहता है एक्स के, एक्स में वन बाई थ्री लिखा हुआ है तो वन बाई थ्री
मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, इस चीज का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम सेक्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको पर्सनली उस कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे। ओके, जैसे डी एक्स पे पावर 4 है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कितना हो जाएगा तो बोलोगे 4x पे पावर 3, 4 लिखे, 1 पावर कम कर दी। और यहाँ क्या है, 1 4 पहले से है नीचे, तो वो तो कॉन्स्टेंट है, तो वो कॉन्स्टेंट को पहले ही बाहर पकड़ दीजिए, बोलो चलो वहाँ से हटो x पे पावर 3 ना। क्वेश्चन नंबर 66, लॉग ये कैसे होगा, लॉग एक्स पे पावर 4, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है कितना होता है, लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, तो लॉग एक्स बाय 4 का कितना होगा एक्स पे पावर 4, और फिर एक्स पे पावर 4 का, फिर एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी 4x³, तो ये 4 बाय एक्स, 4 बाय एक्स कहाँ पे दिखेगा, 4 बाय एक्स यहाँ पे दिखेगा, तो आप ये ऑप्शन पे टिक मारोगे। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर टू थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin थीटा, और फिर साइन थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना हो जाएगा साइन 2 थीटा। कल हो के आपको एग्जाम में ये पूछते हैं डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इसका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 2 sin x, और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस एक्स, तो यहाँ से ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2x का। ओके, समझ पा रहे हो ना, अच्छी बात है। हाँ, ये कितना हो जाएगा कॉस क्यूब एक्स है, तो 3 cos² x, और फिर cos x का करोगे कितना, cos x का करोगे तो माइनस लिख दिया आगे, और यहाँ sin x, यहाँ थीटा लिखा हुआ है तो आप भी थीटा लिखिए, कैसे लिखोगे, 3 cos² थीटा, और cos थीटा का कितना -sin थीटा, -3 cos² थीटा जहाँ पे दिखेगा तो वहीं पे तो टिक मारोगे। इस तरह से आप ये 69 क्वेश्चंस कीजिए। ये 2 tan x, इसको लिखोगे 2 tan x, और 10x के बाद कितना, sec² x, ये वाला 10x का डिफरेंशिएशन होता है 10x का sec² x, और यहाँ स्क्वायर पावर था इसलिए 2 tan x कर दिए। ओके, ये x पे पावर 3 dx करके, x पे पावर 3/2 dx करके है, इसका इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब एक पावर बढ़ा देना है, 3 पे पावर 2 में एक पावर बढ़ा दोगे, और जो ऊपर में लिखे हो उसी से फिर डिवाइड कर दोगे। ये तो बहुत अच्छा चीज बतला दिया, x पे पावर कितना हो जाएगा 5/2, और यहाँ कितना हो जाएगा 5/2, तो ये 2 एक्चुअली में ऊपर में चला जाएगा, k4 कांस्टेंट और c4 भी कांस्टेंट, तो इसी चीज को ऐसे लिखा जा सकता है x पे पावर 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा, तो मतलब कौन सा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 71, सदिश इकाई यूनिट, यूनिट वेक्टर बतलाना है, यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, i+j का मैग्नीट्यूड, इसके बाजू में 1 है, इसके बाजू में 1 छुपा हुआ है, इसके बाजू में 1 छुपा हुआ है, √1 + 1² कितना, 1 + 1 कितना 2, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए i+j को, इसका मैग्नीट्यूड से जैसे ही डिवाइड करेंगे वो कैसा बन जाएगा, यूनिट वैक्टर बन जाएगा, इकाई मतलब यूनिट, यहाँ पे लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं आपके लिए। ये यूनिट वेक्टर हो गया, बोलोगे ये कैसा जादू। ओके, सदिश वेक्टर, इसमें यूनिट वेक्टर बदलाना है तो ये बदला देना। नेक्स्ट, अवकलन, इसमें इसका क्या आंसर होगा, बतलाइए क्या आंसर होगा, नहीं बतलाना है, कोशिश कीजिए बनाने का। मैं नहीं चाहता, dy/dx है, और यहाँ कितना y है, और यहाँ कितना 1 है, तो इसके बाजू में 1 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा e^1x dx, यानी e^x किसका हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू e^x, लिख दें y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो इधर लिखा हुआ है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बोलोगे सही बात है,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कितना हो जाएगा e पे पावर x, और यहाँ कितना हो जाएगा e पे पावर x। बोलोगे सही है, सही है। y इक्वल टू e पे पावर x से डिवाइड कर देगा 1, और इधर कितना हो जाएगा c e पे पावर माइनस x। c क्या है, एक तरह का कांस्टेंट ही है ना, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, c की जगह क्या लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो, जो आपको ऑप्शन में यूज किया है। तो आप c की जगह पे a लिख दो, सिंबॉलिकली चेंज ही तो है। कितना हो गया y इक्वल टू a e पे पावर माइनस x। चलिए सही है। 73 डी वाई बाई डी संकलन, इसको सॉल्व करके बतलाना है कितना होगा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सवकलन समीकरण का समकलन गुणन कितना होगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कितना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके बोलोगे अच्छा मैं भी बतला देता हूँ आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसके नीचे में कितना है ई, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब इस तरह का फॉर्म हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो ये जो पी के जगह पे जो चीज़ लिखा होता है तो इसी कैसे होता है पी डी एक्स, पी के जगह कितना टू लिखा हुआ ई पे पावर टू डी एक्स, तो टू तो बाहर चला जाएगा यानी डी एक्स, डी एक्स के जगह कितना एक्स, यानी ई पे पावर टू एक्स, यही हो गया इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इतना टाइम लगेगा नहीं एग्जाम में बनाने में अगर आप पहले से बना के जाते हो। ये कितना है जे को आई से करना है क्रॉस, जे को आई से क्रॉस करना है, तो ये चक्र आप याद रखो काफी काम देगा आप साइक्लिक ऑर्डर में घड़ी के दिशा में ओके। ये आई है, ये जे है, ये कितना है के है, आई जे करोगे कितना हो जाएगा के हो जाएगा, आई को जे के साथ करोगे आई जे क्या बचा के, उसके बाद J को K से करोगे और क्या हो जाएगा J, ये साइक्लिक वे में चलो जैसे घड़ी चलता है क्लॉकवाइज में, उसके बाद K क्रॉस I, K क्रॉस I कितना हो जाएगा, K क्रॉस I कितना हो जाएगा J ओके। अगर उल्टा लिखोगे तब J क्रॉस I, J क्रॉस I कितना हो जाएगा माइनस K, आई क्रॉस के, आई क्रॉस कितना के हो जाएगा माइनस जे। अगर उल्टा करते हो तब बोलोगे अच्छा के क्रॉस जे कितना हो जाएगा माइनस आई, अगर घड़ी का उल्टा दिशा में चलते हो तो नेगेटिव साइन लग जाएगा, यहाँ कितना जे आई, जे के बाद आई है यानी माइनस के लगेगा, यानी माइनस के सी में है 520। ये चीज समझिए आपको, ये चीज कल हो के अगर आपको ऐसे पूछ दे तब 3J क्रॉस 2K तो कितना होगा, J के बाद K आ रहा है तो मतलब I और 3×2=6 ओके। मिल मूल बिंदु यानी ओरिजिन से जुड़ी, ओरिजिन से पूछ रहा है ये जो मूल बिंदु है मतलब ओरिजिन से पूछ रहा है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब भी आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पूछे तो कुछ नहीं करना है, ये जो जो भी इक्वेशन लिखा दिखे इसको लिख लेना है, लिख लिए यही ना है डिस्टेंस, ये इक्वेशन है। ओरिजिन से पूछे तो एक्स वाई जेड की जगह क्या लिख दोगे, एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो लिख दिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जीरो, यानी बच गया 6। और ये जो कोफिशियंट है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, एक्स वाई जेड में जो भी लिखा रहेगा उसे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो नीचे हो जाएगा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव को भी पॉजिटिव बना लीजिए ठीक। 4 + 9 और उसके बाद कितना 16 × 25, 25 × 4 = 29, तो ये कितना हो गया आपका 6/√29।
ये और इसके बीच का दोनों का कोण बतलाना है। कैसे निकलेगा? जब भी आपको इस तरह से इक्वेशन लिखा रहे दो प्लेन का, एक 3x-6y-2z, तो कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई करते रहिए। कैसे? इसको 3 2 6 + -6 को 1 से करेंगे तो -6, -2 को 2 से करेंगे तो 4। रूट अंडर पहले का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, और फिर -2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। 3 का स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे और -2 का स्क्वायर करेंगे। 6 4 10 12 12 4 16, 2 2 9 4 4 4 8 8 1 9, यानी 3, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 4 13, लिख लेते हैं 9 + 36 + 4, यानी 49 49 बोले तो 7, यानी 16 = 3 × 7, यानी कितना 21, 16 divided by 21, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, cos theta = 16 divided by 21, तो theta equal to कितना, cos inverse 16/21। यहाँ आपको समझा के बतला रहे हैं, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाओगे। जब भी एंगल निकालना रहे दोनों के बीच के, क्या निकालना रहे, एंगल निकालना रहे, तब तो आपको जो भी कोएफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपस में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लो और उसका रूट अंडर से डिवाइड कर दोगे। जैसे पहला का 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, उसी तरह से यहाँ स्क्वायर से क्या करिए, डिवाइड किए, तो थीटा दूसरी तरफ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा 72 नंबर रेखाओं का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन वर्ड में लिख रहे, चलिए लिख देते हैं आपके लिए डायरेक्शन कोसाइन। चलो कंटिन्यू करते हुए, पावर इंटरप्शन की वजह से आपकी क्लास थोड़ी रुक गई थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चंस कर रहे थे, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा, जो भी आपको लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो, ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह का डायरेक्शन रेशियो लिखना लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे 2 हुआ, -1 हुआ और -2 हुआ, इसकी जैसे ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यानी इसका जो रूट अंडर होगा, यानी 2 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, जैसे ही स्क्वायर करोगे तो खत्म हो जाएगा, 4 हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 4 4 8, यानी 3, इसको 3 से डिवाइड कर देना, ठीक। तो 2/3 - 1/3, यही आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन कोसाइन, ये क्या, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, कोसाइन पूछ रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर ले लेना, और जो चीज लिखा रहेगा डायरेक्शन रेशियो में उसी से डिवाइड कर देना। ये डॉट प्रोडक्ट है, मतलब आई को आई के साथ कर दीजिए, कितना हो जाएगा, आई को आई के साथ कीजिएगा तो -2 + फिर -2 को 4 से कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 5 को इससे कीजिए, 5 2 9 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10 + 10, यानी कितना, 0। ओके, भूल गए, हाँ ये कैसा मजाक, कल हो क्या, अगर 2y-j इसको डॉट डॉट करने के लिए बोल दें किससे, तो बोलोगे i + j + k के साथ, बोलोगे यहाँ तो k तो है ही नहीं, तो क्या करना, k नहीं है तो मतलब 0 है, मतलब 0 है, जो चीज नहीं है मतलब क्या है, 0 है। तो 2 को i से करोगे कितना, 2 + -1 को 1 से करोगे कितना, -2 × 1 कितना, -2, और फिर 0 × k कितना, 0, तो 2 - 2 कितना, 0, इसका डॉट प्रोडक्ट करके बदलाओ तो आप, ये ऊपर में ऐसे करके कैप लिखा हुआ है, ठीक, वेक्टर भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, 2i लिखा हुआ है, चलिए लिख दिए, यहाँ भी i एरो मार लीजिए आप, +j + 5 के, ऐसे करके लिखा हो,
आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे टू, जे के जो जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, पाँच दो सात एक आठ, इस तरह से आप देख सकते हो। इसमें इसको करके बतलाइए तो कैसे होगा, तो बोलोगे तो प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो चलिए एक बार और बना देते हैं। वन को माइनस टू के साथ करेंगे माइनस टू, माइनस टू को फोर से करेंगे माइनस एट, फाइव को टू से करेंगे कितना टेन, रिजल्ट कितना जीरो। इसको कैसे करेंगे, अगर दो फंक्शन है आपके पास, फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन, ठीक, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो पहला फंक्शन को इंटीग्रेट कीजिए, फिर दूसरा पहला फंक्शन को वैसे ही रहने दीजिए, दूसरा को इंटीग्रेट कीजिए माइनस साइन लगाइए, फिर पहला को इंटीग्रेट कीजिए, सॉरी पहला को डिफरेंशिएट कीजिए, दूसरा को इंटीग्रेट कीजिए, और फिर जो रिजल्ट आ रहा है इसको फिर से एक बार इंटीग्रेट कीजिए। क्या समझे, दो फंक्शन है तो पहला को वैसा का वैसा ही छोड़ देना है, दूसरे को इंटीग्रेट करना है, फिर पहला जिसको छोड़े थे उसको डिफरेंशिएट करना है, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको एक बार फिर से इंटीग्रेट करना है। तो चलिए काम पे लग जाइए। तो बोलो ये कैसा काम, जैसे पहला एक्स हो गया ई टू द पावर टू एक्स हो गया, ठीक, पहला इसे दूसरा इसे, तो पहला फंक्शन को ऐसे ही रहने देते हैं, दूसरा फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक, माइनस पहला फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरा को इंटीग्रेट कर दिए, जो रिजल्ट आएगा इसको एक बार फिर से, इसको एक बार फिर से क्या करना है, इंटीग्रेट करना, यानी एक्स ई पे पावर टू एक्स को फिर दो से डिवाइड कर दोगे, जितना भी को एक्स के बाजू में लिखा हुआ है दो से डिवाइड कर दीजिए, इसको करोगे वन ई पे पावर टू एक्स, ई पे पावर टू एक्स टू से डिवाइड किए, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करोगे, बोलोगे ये कैसा जवाब था, एक्स ई पे पावर टू एक्स ऐसे करके, ये है आपका एक्स ई पे पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस ई पे पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, इसको यही तो है एक्स ई पे पावर टू एक्स, ई पे पावर टू एक्स दो पहले से है तो दो को बाहर रखिए, और दो को दो कितना करोगे चार, तो ये जो ऑप्शन में दिखेगा वही ऑप्शन आप टिक मारोगे, ई पे पावर टू एक्स बाई फोर, लोग ये तो कोई ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, देखने के लिए नजर चाहिए, देखिए काम पे दिखेगा 79 क्वेश्चंस, यही तो है, इसके जगह पे कितना लिखा हुआ है यहीं पे लिख दे, यानी एक्स ई पे पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई टू माइनस ई पे पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई फोर, इसमें से सारा में से क्या कॉमन ले लिया, ई टू द पावर टू एक्स कॉमन ले लिया, और फिर फोर भी कॉमन ले लिया, फोर भी कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बच रहा है आपको, फोर बनाने के लिए दो ऊपर दो नीचे, यानी कितना हो गया टू एक्स माइनस वन, टू एक्स माइनस वन प्लस के, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक, चार यहाँ भी है चार यहाँ नहीं बन रहा है, तो चार ऐसे कर दिए उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिए, यानी ई पे पावर टू एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना हो गया आपका, तो यहाँ से हो गया टू एक्स माइनस वन, इसमें डॉट मल्टीप्लाई करना है, एट को टू से करोगे, सॉरी टू को टू से करोगे फोर, माइनस थ्री को लिख दें, सही सही, खुश खुशी तुम्हारी है जब इसी में तुम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह जो कोई पूछेगा हमसे, ऑप्शन नंबर ए टिक लगा ही लेंगे। ये कॉन्स्टेंट फंक्शन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई का अधिकतम वैल्यू बतलाना है, तो इस चीज को आप ड्रॉ करोगे कैसे, लाइन पे ड्रॉ करोगे, तो एक छोटा सा डब्बा बनाओगे, जब एक्स जीरो रहेगा, जब एक्स जीरो रहेगा तब क्या होगा, और वाई जीरो रहेगा तब क्या होगा, बोलोगे सर जब एक्स जीरो रहेगा तो जीरो लिख देते हैं, तो वाई कितना हो जाएगा सिक्स, जब वाई जीरो करोगे तो एक्स कितना हो जाएगा दस, यानी ये जीरो दस यहाँ पे आपको कहीं दिखेगा नहीं, यहाँ पे दिखेगा आपको कितना, बोलोगे चार, ये क्या, ये हो गया आपका दस जीरो, ये कितना हो गया यहाँ पे कहीं कितना होगा जीरो सिक्स, जीरो सिक्स, तो आगे बना दिए, यानी एक्स ग्रेटर देन जीरो तो ऊपर वाई ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ये कितना ओरिजिन हो गया,
ये एलपीपी का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का चैप्टर है। अधिकतम वैल्यू कितना होगा, तो बोलोगे यही कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट कितना कितना आया है, एक 0 0 आया है, एक 10 0 आया है, दूसरा 0 6 आया है, 0 6 आया है। वैल्यू पुट पुट करके चेक कर लेते हैं कितना x प्लस वाई यहाँ करोगे तो 0 वही आ जाएगा, एक्स प्लस वाई यहाँ करोगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अधिकतम वैल्यू तो यही ना है, मतलब 10 मिनिमम पूछता तो 0। सीधी रेखा का ये तो एक्स का मान कितना होगा, अगर ये सब डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है आपका, डायरेक्शन कोसाइन है, तो एक्स का मान कितना होगा, एक्स का मान सबका स्क्वायर करके ऐड कीजिए, जैसे 3/√77 है इसको स्क्वायर कीजिए, -2/77 है रूट में इसको स्क्वायर कीजिए और एक्स का स्क्वायर कीजिए, ये सबका सम 1 आना चाहिए। ये कितना 9/77 और ये कितना 4/77 और ये कितना x² इक्वल टू कितना 1, तो यहाँ से हो जाएगा 9 4 13 13/77 प्लस x² इक्वल टू कितना 1, तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू हो जाएगा 1 13/77 यानी 77 13, ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका 64/77 यानी x² का वैल्यू कितना आ गया 64/77 यानी x इक्वल टू अंडर रूट जाएगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 77 तो ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से भाई ये प्रॉपर्टीज होता है, ये फॉर्मूला होता है, जब भी डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है तो l² + m² + n² का वैल्यू कितना होता है 1। ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर इससे पहले जो 1 to 50 क्वेश्चन कराया गया उसमें भी ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, कैसे करोगे, इस टाइप का आपका जो भी क्वेश्चन मिले जिसमें डॉट भी हो, जिसमें डॉट भी हो और जिसमें क्रॉस भी हो, कैसे बनाओगे, बोलोगे नहीं मैं तो बना लूंगा आपका पता नहीं, ऐसे करोगे एक डब्बा लिखोगे 1 1 1 लिखो 1 1 1 -1 -1 फिर उसको 1 2 और ये -1 ijk का जो भी कोफिशियंट है उसको लिख के बना लिए, बोलोगे सही काम है। ये इसको मैट्रिक्स का साइन है, इसको डिटर्मिनेंट का साइन दो, इसका वैल्यू निकालना है डिटर्मिनेंट कैसे, एक तो है आप ओपन कर लो 1 1 कर लो कितना 1, ये कितना हो जाएगा -2 करके +2 -1 ये हो जाएगा आपका -1 +1 आगे चलोगे तो +1 2+1 ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 3 3+3 कितना 6। लेकिन आप एक और प्रॉपर्टीज का यूज कर सकते हो जो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, दोनों रो को आपस में ऐड कर दो, बीच वाले को वैसे ही, नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दिए, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 2 ये 0 0 ये प्रॉपर्टीज है, किसी भी दो रो को आपस में ऐड कर सकते हो ताकि कैलकुलेट कम पड़ना पड़े, बोलोगे नहीं मैं तो बनाऊंगा ही नहीं ऐसे ही 0 टिक मार दूंगा, इसका 0 आंसर है नहीं। ठीक, इसको ओपन करोगे 2 के अलोंग 2 हो गया, ये -1 का 1 +2 बाकी का एलिमेंट तो 0 ही जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, तो 6 ऑप्शन। तो ये मेथड स्मार्ट अप्रोच हुआ, स्मार्ट। तो दिक अनुपात कितना होगा, जो चीज ये लिखा हुआ है, जो भी लिखा रहता है ना वही अनुपात हो जाता है, डायरेक्शन रेशियो 3 4 5 3 4 5 3 4 5 डायरेक्शन रेशियो उसको बोलते हैं। निम्नलिखित कुल तल x = 0 के समानांतर है, मतलब x = 0 के कितना है पैरेलल है, तो कैसे होगा x = 0, ये तो क्या तो ये कहिए तो x = perpendicular, ये भी परपेंडिकुलर यानी x = -5 यही जो है क्या पैरेलल है समानांतर। समानांतर एक तल पर समीकरण कितना होगा, तल के समानांतर एक समीकरण कितना होगा जिसका भी डायरेक्शन रेशियो का सम ये सेम मिल जाना है, 2 है तो 2, -3 है तो -3, 4 है तो 4 ही कहीं लिखना चाहिए, वो तो है नहीं है इसमें, तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, दोनों सेम रहना चाहिए डायरेक्शन रेशियो सब, ठीक तब वो पैरेलल हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट बतलाना है, तो एक तो प्रोसेस आप पूरा सॉल्व करोगे तब हो जाएगा, दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, अगर दो
रो या दो कॉलम एक जैसा दिखे तो उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा, टू रो या टू कॉलम आर आइडेंटिकल डिटरमिनेंट इज जीरो, उसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। इसमें भी अगर आप एड ध्यान दोगे, ये दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं, ये दोनों को आपस में ऐड करके यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे C1 के जगह पे C1 प्लस C2 लिख देते हैं, ये जो पहला कॉलम है इसको दोनों को आपस में ऐड करके लिखते हैं, यानी पाँच दो कितना सात, यानी कितना माइनस दो और ये कितना आठ, और बाद बाकी एलिमेंट को वैसे ही रहने देते हैं, बाद बाकी एलिमेंट को वैसे ही रहने, पाँच सात माइनस आठ माइनस दो पाँच, देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों आइडेंटिकल है एक जैसा, मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो, पूरा ओपन करने का कोई जरूरत नहीं है, और पूरा ओपन करना भी नहीं वो बोलता है, करने नहीं बोलता है। देखो C1 के जगह पे C1 माइनस C2 कर दो, C1 के जगह पे C1 माइनस C2 कर दो, तो इसमें भी आइडेंटिकल हो जाएगा, चार में से एक गया कितना तीन, जीरो में से दो गया माइनस दो, पाँच में से सात गया तो माइनस दो, बाकी एलिमेंट को आप वैसे ही लिख दो जैसे लिखा हुआ। आप गौर करोगे ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट कितना एक जैसा हो गया, पूरा हो गया माइनस थ्री थ्री से, अगर ये आइडेंटिकल हो गया मतलब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो गया। बोलोगे इस केस में कैसे होगा, इस केस में इस केस में भी देख लो आप, अभी वाला ही तो ये क्वेश्चन था 98 दो बार हो गया, 99 कैसे बनेगा, बोलोगे ये मैट्रिक्स है ना तो मल्टीप्लाई का पांती या पंद्रह, ये तो होगा नहीं क्योंकि डब्बा में लिखाया जाएगा, पांती या पंद्रह सत्या इक्कीस छत्री का अठारह आठ त्रिक चौबीस यही होगा, कल हो के अगर ऐसे लिखा रहे तब पाँच जीरो थ्री सेवन ऐसे लिखा रहे तब तो टेन जीरो सिक्स सब इंडिविजुअल एलिमेंट में आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है 99 ये 100 है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे दो चार नहीं है, दो चार ये भी नहीं है, दो चार ये भी नहीं है, दो चार छः आठ ये हो जाएगा, ठीक है सिंपल सा रूल है, अगर अंदर में कोई भी एलिमेंट ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक बोलता है थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो सब में मल्टीप्लाई कर दो, सत्या इक्कीस द्वितीय छह सत्या इक्कीस आठ त्रि चौबीस सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए गुनगुनाते रहिए, ओके। खुशी तुम्हारी है जब जा, अभी ध्यान दिए तो कैमरा का लाइट ही नहीं ऑन किए थे, लाइट जाने के बाद कैमरा में फिर से लाइट ऑन नहीं किए थे, माइक का लाइट ऑन किए, इसलिए आपको वीडियो लेक्चर कुछ पोर्शंस में नहीं दिख रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस के साथ, डिस्क्रिप्टिव शॉर्ट आंसर राइटिंग साइड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ, एग्जाम में कैसे लिखना है, लिखना है ये भी बतलाया जाएगा आपको, ताकि आपको 95 प्लस स्कोर आ सके। ऑब्जेक्टिव में आप रंगने में गलती मत करना, ऐसा ना हो सब बना लो उसके बाद मालूम चले रंगने में ही गलती कर रहे, ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।